आज बाबा साहब का 127वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि जो आप ये बैनर देख रहे हैं और इस बैनर के अंदर जाति से तोड़ा नाता, मनुष्यवाद से जोड़ा नाता, हम सब का मालिक एक, हम सब के माता पिता एक, फिर कैसे धर्म अनेक, एक ही ईश्वर ने हम सबको बनाया इंसानियत। तो हमारे बीच में मुस्लिम जाति के, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले बहुत तादाद के अंदर आज बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर गयूरुल हसन। गयूरुल हसन जी, आज आपने कैसे मन में आया कि हम बाबा साहब का जन्मदिन एक साथ मनाएंगे? हम लोगों को, हम हमेशा से इसके लिए कोशिश करते रहे, दिल में एक तड़प थी कि कोई ऐसा मौका मिले, ऐसा मौका मिले कि जिसमें हम एकता दिखा सकें, क्योंकि हमें, हमारे लिए सब, तमाम दुनिया के लिए जो अंतिम संदेश था, उन्होंने सब मैसेज दिया था कि ये मेरा मैसेज सब तक पहुंचा देना, और उनको मैसेज दिया था उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने, उस गॉड ने मैसेज दिया था कि ये ईश्वर तमाम लोगों तक पहुंचा लो कि तुम सारे बराबर हो, आपस में एक हो, तुम में ऊंच नीचता नहीं है। इसीलिए हमने बहुत दिन से सोच रहे थे, आज हमें ऊपर वाले ने मौका दिया और हम लोग यहाँ हाजिर हैं। सर एक तरफ देखा गया है कि अभी तक की जो 5 साल, जो 4 साल की सरकार है, कभी मुसलमानों को टारगेट करती है, कभी दलितों को टारगेट करती है, जब इन पे कुछ नहीं बचा तो इन्होंने सीधा संविधान को टारगेट कर दिया और संविधान की जो धाराएं उनके साथ छेड़छाड़ कर दी। देखो, जहाँ तक ये वाला प्रश्न है आपका, ये राजनीतिक है, हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं। हम एक मिनट, एक कोई बात नहीं, उसमें भी बात, संविधान रही संविधान की बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान को वो संविधान दिया था कि आप चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अपने हिसाब से जीवन जी सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, पीच कर सकता है, उसको फैला सकता है, ये संविधान में लिखा था। लेकिन उस संविधान को बदलने की एक साजिश हो रही है, लगातार निरंतर कोशिश हो रहा है, अभी तक उनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी। अभी मैंने दैनिक जागरण में हुड्डा साहब का स्टेटमेंट बना था फरवरी में, उसमें उन्होंने ये दिया था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अभी राज्यसभा में हमारी अक्सरियत नहीं है, जिस दिन राज्यसभा में अक्सरियत होगी हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं। मैंने अभी परसों का भी दैनिक जागरण का एक वो ले रखा है अपने फोटो स्टेट, उसमें भी किसी विद्वान ने लिखा है कि संविधान में कुछ होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो लोग मानसिकता में जो चल रहा है वो कह रहा हूँ, हम इसीलिए हम लोग यहाँ हैं ताकि इन ये शक्ति इकट्ठी हो जाए और हमारे खिलाफ कोई साजिश ना कर सके, हम आपस में एक हैं। हम तो मूल निवासी हैं यहाँ के, हम तो असल निवासी थे यहाँ के, वो लोग हैं आर्य, वो तो बाहर से आए हुए हैं, हम लोग बाहर के नहीं हैं। मैं कोई मुगल नहीं हूँ, मैं कोई पठान नहीं हूँ, मैं तो हिंदुस्तान का वासी हूँ, मेरे पूर्वज हमेशा से हिंदुस्तान में रहे हैं। हिंदुस्तान के वासी या भारत के वासी हैं? हम कोई भारत के वासी हैं, महान भारत, हम भारत के वासी हैं। वो भारतीय संविधान दिया था, क्योंकि असल में जय भीम जय भारत। क्या नाम है आपका? कामरान खान। हम देखिए, बाबा साहब का महान योगदान ये है कि सब जातियों को बराबर होना चाहिए, और जो पिछड़े, जिन लोगों के ऊपर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों साल से जुल्म होता आ रहा था, जाति होती आ रही थी, उन्हें आप मूल निवासी कहें, और जो उन लोगों ने लफ्ज़ दिया है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं उसके समझाने की भाषा में कह रहा हूँ कि दलित समाज को पीछे करने के लिए और मुस्लिम समाज को पीछे करने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब ने 1950 में एक ऐसा संविधान बना दिया कि यहाँ पर सबको मिलकर रहने का, प्रेम भाव बांटने का पूरा अधिकार है। इसलिए हम लोग आज उनकी यहाँ पे पुण्य जन्म तिथि के मौके पे अपने दिल से यहाँ आए हैं, पूरी टीम लेकर आए हैं, हम पूरे समाज के साथ मिलकर देश की तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं चाहते, लेकिन चूंकि भेदभाव वो करते आ रहे हैं इसलिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है। दलित मुस्लिम एकता। बहुत अच्छी बात के सर आपने बाबा साहब का स्टेचू ले रखा है और तस्वीर लगी कि आप बहुत ऊंची दिखा रहे हैं, तो आज आपने ये क्यों ले रखा है, क्या कारण है इसका लेने का? आज इसकी ज़रूरत पड़ गई सर, इसकी ज़रूरत पहले नहीं थी, पहले हम लोगों के दिल मिले हुए थे, हम सब एक थे, शुरू से एक हैं, लेकिन लोगों ने बीच में फूट डालने का काम किया, इसलिए थोड़ा दिलों में मतभेद हो गया, इसलिए हम आपके समाज के बीच में आए हैं, सब लोगों के बीच में आए हैं, उनको ये संदेश देने कि आप और हम शुरू से एक थे और एक ही हैं। आप बिल्कुल शुरू में चले जाइए, जहाँ से जो है इंसानों की शुरुआत हुई,
है, वहाँ ईश्वर ने एक ही जोड़ा बनाया था धरती पर जो भेजा था, उसी से सारे इंसानों को बनाया। तो आपस में मतभेद कैसे हो गए, अलग अलग कैसे हो गए, जब सब एक ईश्वर की संतान है तो अलग अलग कैसे हो गए? ये तो काम है, ये रोजगार है, जीवन याचिका है ये, जिसके रोजगार अलग अलग हैं। कोई मोची है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई कंप्यूटर बनाता है, कोई सड़क बनाता है, इससे मतभेद नहीं होता आपस में, इससे इंसान बढ़ते नहीं आपस में, ये तो रोजगार है। लेकिन रोजगार के हिसाब से लोगों को बांट दिया कि जो झाड़ू लगाता है उसकी पुछते 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 वो सारी जिंदगी झाड़ू ही लगाती रहेंगी, वो कभी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ये किसने अधिकार दिया? सारे एक ईश्वर के बंदे हैं, सबको समान अधिकार है। आप थोड़ा और आगे आइए, 1450 साल पहले मोहम्मद साहब इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, अल्लाह ने उनको अपना अंतिम ऋषि और अंतिम ईशदूत बनाया। मोहम्मद साहब ने भी यही पैगाम दिया था आज से 1450 साल पहले, उन्होंने गुलामों को आज़ाद करवाया। उस टाइम गुलाम प्रथा का रिवाज था, बांदियों का रिवाज था, उन्होंने उनको आज़ाद करवाया कि नहीं, इनको भी जीने का हक है, इनको आज़ाद करो, तुम अपनी गुलामी में ना रखो, तुमसे कोई पाप हो जाए एक गुलाम आज़ाद करो, दो गुलाम आज़ाद करो। बेटी को उस टाइम जिंदा दफन कर देते थे, उन्होंने कहा नहीं, इसको भी जीने का अधिकार है, बेटी को जिंदा दफन कराना बंद कराया, औरतों को अधिकार दिलवाए। ये काम मोहम्मद साहब ने किया, उसके बाद यही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सबको समानता का अधिकार दिया संविधान में। माना जाए कहीं कहीं और जो मुस्लिम समुदाय है उनका बाबा साहब से बहुत गहरा संबंध रहा है। हर भारतवासी का बाबा साहब के साथ गहरा संबंध है, जो भारत को अपना मानता है। आपने कुछ देरी नहीं कर दी कि बहुजन और दलित एक होने में? हमने देरी दिखाने में कर दी, दिल में कभी देरी नहीं थी। ये तो आज हम सड़कों पर आए हैं। इन लोग नारा लगाया करते थे कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुस्लिम अत्याचार तो वही कर रहे हैं जिन्होंने ये नारा लगाया था, अत्याचार वो कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे। आज भी हमारे त्यौहार पर, आज से नहीं, ये फोटो लेकर आज मैं सड़क पर आया हूँ, लेकिन हमारे दलित भाई हमारे मोहल्ले में जो झाड़ू लगाने वाली और कूड़ा उठाने वाले हमेशा हमारे त्यौहारों पर हमारे घर में आते हैं, बकरा ईद का गोश्त लेने भी आते हैं, ईद की सेवैयां खाने भी आते हैं, हमेशा से आते चले आए हैं। ये कोई आज नई बात नहीं है कि हम आज सड़क पर आए हैं, हम तो शुरू से ही एक हैं, हम शुरू से ही एक हैं, कोई फर्क नहीं है। हमारे परवेश भाई ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है, लेकिन निसंकोच मैं, मुझे ये बात स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं है कि सचमुच हमने थोड़ी देर करी है, और जो हमारे ऊपर एक भार था, बोझ था कि ये मैसेज पहुंचाने का, उसको पहचाने में हमने समझने में देर करी है, इसमें हमारी गलती है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों की तरफ से आप सब लोगों से क्षमा याचना करते हैं, हमें इसके लिए क्षमा की जाए, और आइंदा से हम लोग हमेशा के लिए एक होने की, एक करने की हमेशा जुगत में रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कभी दलितों को टारगेट किया जाता है, और आज एक जरूरत पड़ गई है कि सब लोगों के एक साथ। हम लोगों में भी कुछ कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनकी इस तरह की मानसिकता हो सकती है, ये उसी की देन है कि जो थोड़ा सा फर्क हुआ है, लेकिन हम सब लोग एक जाएंगे। हम 80% हैं, हम 80% हम 85% हैं, फिर हमारी तरफ कोई उंगली भी उठा के नहीं देख पाएगा। संगठन है जो इंटरनेशनल लेवल का संगठन है, वो पूरे मूल निवासियों को विदेशियों के, जो विदेशी है जो इस देश के मूल निवासियों को बांट रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में मूल निवासियों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। और इस देश में ये जो 90% जो लोग हैं कुल जनसंख्या में जिनको मूल निवासी कहते हैं, उनके हितों के लिए बामसेप काम कर रहा है। सत्ता भी उनकी है, पार्लियामेंट भी उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन क्या हमारे 90% लोगों को अलग अलग समुदाय में, धर्मों में बांट करके ये लोग हमेशा से सत्ता पर काबिज होते आ रहे हैं? और हमेशा जब भी आप देखेंगे, जब भी इलेक्शन आता है, जब भी चुनाव आता है,
तभी हिंदू मुसलमानों के दंगे होते हैं, तभी जातियों के दंगे होते हैं। ये कौन कराता है, ये कौन कराता है? बीजेपी में भी वही लोग हैं, कांग्रेस में भी वही लोग हैं, मार्क्सवादी पार्टी में भी वही लोग हैं। तो जो बैठा है ऊपर वो सब वही है, वो एक ही व्यक्ति है, एक ही डीएनए वाला व्यक्ति है, वो इन मूल निवासियों को बांटने का काम कर रहा है। अब बाम साहब ने और ये जो मूल निवासी लोग हैं, अब आपके सामने उदाहरण है, सारे मूल निवासी है ना, इसमें हम कोई अलग से जो है मुस्लिम को अलग गिनेंगे, ना लिंगायत को अलग गिनेंगे, ना किसी अन्य जाति को अलग गिनेंगे। हम सब मूल निवासी, हमने मान लिया है, अपने दिमाग से हमने सारी चीज़ें निकाल करके आज की डेट में केवल हम केवल और केवल आज की डेट में मूल निवासी हैं और ये देश मूल निवासियों का है।